विजया दशमी, मेरे सारे जो नॉन बंगाली फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए हैप्पी दशहरा, एंड जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं उनके लिए शुभ विजया प्रीति अनेक अनेक शुभेच्छा। तो आज दशहरा है, मतलब 10th वाला डे है दुर्गा पूजा की। सो हम लोग जो है दुर्गा पूजा की इस डे पे आके बहुत ज़्यादा हम लोगों का जो मन है वो बैठ जाता है, क्योंकि भगवान जाने वाले हैं, आज ही उनका विसर्जन हो जाता है। कई कई जगह पे ना मूर्तियाँ जो होता है भगवान की उनका विसर्जन नहीं होता है, पर ओरिजिनल जो एक मटकी होता है वो विसर्जन हो जाता है। और मैं कैसी लग रही हूँ, पूरा मैंने बंगाली गेटअप किया हुआ है। और ये जो साड़ी होती है ना, ये प्रॉपर बंगाली साड़ी होती है, इसको गौरोद बोलते हैं। लाल पार सादा साड़ी हम लोग बोलते हैं, मतलब रेड इसका बॉर्डर रहेगा और वाइट इसका बीच का पोर्शन रहेगा, ऐसा साड़ी हम लोग पहनते हैं। स्पेशली आज के दिन जो है ये पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंदूर का मतलब सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को। और हम लोग आए हैं पापा जहाँ पे पूजा करते हैं उस घर पे, और मेरा गला बैठ गया है, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर सकती हूँ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, और मैं कैसी लग रही हूँ ये बताना मत भूलना, ठीक है। और मैंने जिस बहुत साउंड है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ आपसे अच्छे से, बाद में बात करते हैं। बोरोन स्टार्ट होने वाला है। बोरोन मतलब भगवान को हम मानते हैं, भगवान जा रहे हैं तो उस टाइम पे भगवान के लिए हम लोग अलग से उनको मुंह में मिठाई देते हैं, पान से ऐसे ऐसे करते हैं, हाथों में पान सच के देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मुझे भी पता नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और सिंदूर लगाते हैं भगवान को सब, और जो सुहागन है वो मिलके ये काम करती है अलग अलग से। तो मम्मी जी भी करेंगी, मैं भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी, और आई एम सो एक्साइटेड। पेन क्या नो? पेन का छुआ का है। हाँ? वो रंग छुआ का। वो अच्छा पेन छुआ है? इधर छोटे भी कपड़े दूर छुआ। रंग पेन का भी छुआ भी। ये रोशन हुआ। आई ठीक है ऐसे खिली कोड़ा पान, एमनी पान, धान, शिदूर, ओटा की? काचा टाका। काचा टाका? माटी। माटी। ओ अरे ता? संदेश।
তুমি এটাকে সরাও একটু। দাও দাও একদম ভরিয়ে দাও। আরে দাও দাও কোনো ব্যাপার না, দাও 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 দাও। मैं पूरा भूत बन गई हूँ, पीठ पे, गाल पे, पूरा फोरहेड पे पूरा सिंदूर से भर गई हूँ पूरा। कैसी लग रही हो? Yeah.
लोग आ गए हैं घर पे, तो आपने देखा ना दुर्गा माँ की जो विसर्जन होता है, तो दुर्गा माँ को ऐसे ऐसे चार छह सेवन टाइम्स ऐसे रोल करके घुमाते हैं, फिर उनका विसर्जन हो जाता है। और अभी 6 बज रहे हैं, बहुत देर बाद मैं बात कर रही हूँ, आके मैंने पूरा वो क्लीन अप किया, फिर से पिंपल्स आ गए, इतना मतलब सिंदूर से ऐसे ऐसे किया था ना उन लोगों ने। तो अभी ही रेस्ट है, एक मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ जाना पड़ेगा। और विजया दशमी जो है आज का डे, वो स्टार्ट होता है जब दुर्गा माँ की विसर्जन हो जाता है उसके बाद से। और विसर्जन होने के बाद एक दूसरे को ऐसे ऐसे हक करते हैं लड़के लोग, 2-3 बार ऐसे ऐसे करके हक करते हैं, और लड़की और छोटे सारे बड़े लोगों को पैर छू के प्रणाम करते हैं। और सिंदूर खेला में तो आपको देखा ही आपने, पहले भगवान को हम लगा देते हैं, फिर जो सारे सुहागन रहते हैं उन लोगों को अच्छे से सिंदूर लगाते हैं। और सारे पता नहीं क्यों मेरे पीठ पे बना रहे थे ऐसा, वो साइन होता है ना, हम लोग स्वस्तिक चिन्ह बोलते हैं, वो कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग मिठाई खाते हैं विसर्जन के बाद, तो एक बहुत ही फेमस मिठाई है, उसको बोदे बोलते हैं, मतलब बूंदी, स्वीट बूंदी, वही खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पर अभी कुछ भी मिठाई चलेगा, वो स्पेशल रहता है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं मेरे हस्बैंड की एक दोस्त के घर पे। सो मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू ऑन नहीं करने वाली हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया है और हमारी जो कल्चर है बंगाली, वो भी आपको स्वीट लगा होगा। हर एक जो कल्चर होता है उनमें कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें होती है, बहुत सारे रिचुअल्स रहता है। सो हर एक रिचुअल तो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो जो कर पाते हैं उसमें हम लोग खुश हो जाते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, मैं फिर कल और अच्छा एक व्लॉग के साथ आपके साथ आऊँगी मिलने के लिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।